खबर सोनभद्र से है, जहां ग्राम पंचायत हथवानी में जिला अधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों की समस्या के समाधान हेतु एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत हथवानी में जिला अधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं को जाना। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को बताया कि क्षेत्र में बहुत समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है तथा पानी में आयरन आता है, व जिला अधिकारी ने पेयजल की समस्या के निदान हेतु आश्वासन दिया। गांव की स्थानीय ग्रामीणों ने खेल के मैदान तथा सड़क की समस्या से भी जिला अधिकारी को अवगत कराया। क्या नाम है भैया? फिरोज। क्या समस्या बताया आप लोगों ने? डीएम साहब आए थे? डीएम साहब आए हैं, सड़क भी यहाँ के कवर चुका है, ट्रांसफार्मर 2 साल से खराब है बिजली वाला। हम लोग शिकायत करते करते अप्लीकेशन देते देते थक भी गए, इसलिए हम लोग छोड़ भी दिए थे, जिसमें आज डीएम साहब आए, उनसे बात हुआ, उन्हें बताया कि भाई आप लोग का काम जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और दूर दराज से रोड में ये कुल कबर गया, ट्रांसफार्मर जिसने सामने आई बात की, ट्रांसफार्मर यहाँ खराब है, उसका क्या आश्वासन मिला? उनका बताया कि मतलब इनका भी मतलब आपका काम हो जाएगा। अच्छा, और खेल के मैदान के लिए कुछ बच्चों ने मांग किया है कि यहाँ खेल के मैदान हो जाए तो बच्चे यहाँ के आगे भी जा सकते हैं। हाँ, तो सर आपका उधर देखिए, सनी गौतम। सनी गौतम जी, तो ये कौन सा जगह है? सावडी है। अतवानी में डीएम साहब आए थे जी। जी, क्या समस्या आप लोगों ने बताया? बताया उसमें कि आरओ प्लांट पानी जो है, हम लोग के यहाँ बहुत पानी में आयरन ज्यादा मिलता है, यहाँ की पानी स्वस्थ नहीं है, लोग पीने से अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम लोग अपने आप से डीएम सर से यही बात हम लोग की है। क्या मिला? बोले कि वो सब होगा, काम अभी जल्द ही चालू होगा, लेकिन देखिए क्या होता है। और जंगल के बीच में है, टोलों के रूप में है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, लोगों से बात भी की है। मुख्य समस्याएं यहाँ पे पीने के पानी को भी लेके हैं। यहाँ पे जो हैंडपम्प है वो पानी नहीं दे रहे हैं, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आरओ प्लांट की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और इसके अलावा बिजली की विभाग की समस्याएं हैं, उसके लिए एसी साहब को बताया गया है कि यहाँ पे एक सक्षम अधिकारी को भेज के लोगों के बिल गलत क्यों आ रहे हैं, और बिलों का जो अमाउंट है या बिल हमारा जो मीटर है वो गलत लगा दिया गया है, ज़्यादा लगा दिए गए हैं, तो सारा चीज़ें उसको देख लिया जाए। 16 KVA का जो ट्रांसफार्मर है वो भी खराब पड़ा है, तो वो मिर्ज़ापुर से उनकी सप्लाई होनी है NCC कंपनी से, तो उसकी भी बात हो गई है कि प्रायोरिटी पे गाँव में इस चीज़ की व्यवस्था करा दें। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, तो जो लक्ष्य आया उतना तो हो गया, अभी आगे जो लक्ष्य आएगा उसमें इन लोगों को घर दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना में चेहरो जाति के कुछ लोग हैं उनको दे दिया गया है, कुछ खरवार लोग अभी बचे हैं उनको भी आगे आने वाले समय में संतर्प कर दिया जाएगा। और PWD की रोड की समस्या है, जो अप्रोच रोड है यहाँ की, वो काफ़ी दिन से उसकी मरम्मत नहीं है, तो उसके लिए हम लोग तुरंत अभी कार्रवाई करेंगे। ये कुछ मोटी मोटी समस्याएं थी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों को मोटिवेट किया गया है कि वो अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को टीका जरूर लगवाएं। यहाँ पे NM है, उनकी नियुक्ति है, उनका सब सेंटर अभी बनना है, और उसके लिए कार्यदर्श संस्था का चयन हो गया है, तो वो जल्दी बन जाएगा, अभी सब सेंटर दूर है। उनकी बात ये लोग माने, उनकी बात समझे, तो सारा चीज़ों के लिए इनसे बात की गई जैसे है। विद्यालय की समस्या सामने आई जो जर्जर है, उसके क्या कहना है? विद्यालय के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में बजट कम है, 75,000 कंपोजिट का मिला है सिर्फ, तो अगर बाकी चीज़ें जैसे बाउंड्री वॉल और बाकी व्यवस्थाएं के लिए करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से हम लोग बजट देके ये सारा चीज़ें काम पूरे करा रहे हैं। अच्छा, पर यहाँ पे जैसे हथवानी गांव में आए हैं, सड़क भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है, सड़क की मैंने बात की, यहाँ सड़क काफ़ी ख़राब है, तो PWD से कह के इसको भी मरम्मत कराएंगे, काफ़ी दिन से इस पर काम नहीं हुआ है जी। थैंक यू सर, और कुछ कहना? नहीं, बाकी ठीक है, बाकी हाँ, लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी बात कहने में जरूर कोई संकोच ना करें, हमारे जो ग्राम विकास के लोग हैं।